एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में अभी हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स के बारे में बेस्ड ऑन कि किस कंडीशन में है पेशेंट. ओके, सो जो नॉर्मल टीबी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो स्टार्टिंग करते हैं दैट इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. ऑलरेडी अगर उन पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की थेरेपी चल चुकी है तो हो सकता है कि वो ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाएं. तो उस केस में इधर वो एमडीआर पेशेंट्स होंगे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स, या फिर एक्सडीआर होंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स. ओके, इसके अलावा चांसेस हैं कि ऑलरेडी जिन्हें एड्स होता है या एचआईवी इन्फेक्शन होता है उनको टीबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे वो हम अलग से देखेंगे. प्रेग्नेंट वुमेन अगर टीबी पेशेंट हो जाते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे. एंड द लास्ट वन इज़ एमएसी. एमएसी इज़ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो स्पीशीज़ के माइकोबैक्टीरियम एक साथ किसी व्यक्ति को अटैक करते हैं. तो दैट इज़ वन इज़ माइकोबैक्टीरियम एवियम एंड द अदर वन इज़ माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलराई. ओके, सो इसको हम कहते हैं एमएसी. तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ थेरेपी से. नॉर्मल कोर्स ऑफ थेरेपी जो है वो लगभग 6 to 9 months का होता है, जिसको हम दो में डिवाइड करते हैं. जो स्टार्टिंग में हम देते हैं उसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, एंड उसके बाद जो मेंटेन करने के लिए देते हैं उसको हम कंटिन्यूएशन फेज कह रहे हैं. तो इनिशियल फेज नॉर्मली 2 months का होता है. 2 months के बाद, जैसे अगर हम इंडिया में माने तो इंडिया में जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था जो 1997 में लॉन्च हुआ, उसके हिसाब से तो इनिशियल फेज जो है ये 2 months का ही होना चाहिए. 2 months के बाद भी अगर स्पूटम कल्चर जो है वो पॉजिटिव आता है तो 1 month और कंटिन्यू कर लिया जाएगा इनिशियल फेज को. उसके बाद 3rd month के बाद से कंटिन्यूएशन फेज स्टार्ट कर दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि स्पूटम कल्चर का स्टेट क्या है. ओके, सो वो हम कहते हैं इनिशियल फेज में. अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज़ में इट मे डिफर कि 2 months या 3 months, लेकिन इंडिया में इट इज़ 2 months एंड इफ नॉट नेगेटिव देन 1 month एक्सटेंशन. ओके, इसके अलावा कंटिन्यूएशन फेज होता है. कंटिन्यूएशन फेज जो है दैट इज़ फॉर 4 to 6 months. तो हम देख लेते हैं कि इनिशियल फेज और कंटिन्यूएशन फेज में ड्रग्स कौन से दिए जाते हैं और किस तरीके से दिया जाता है, कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है. यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स के और न्यूअर ड्रग्स जो हैं उनके एब्रिवेशंस को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने HRZ लिखा है. H स्टैंड्स फॉर आइसोनियाज़िड, R इज़ रिफैम्पिसिन, Z इज़ पिराज़िनामाइड, E इज़ इथैम्ब्यूटॉल एंड S इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो जो इनिशियल फेस होता है उसमें आइसोनियाज़िड के साथ रिफैम्पिसिन और पिराज़िनामाइड दिया जाता है, और उनके साथ ये 4 drugs का थेरेपी होता है इनिशियल फेज. और जो कंटिन्यूएशन फेज है ये 2 drug की थेरेपी होती है. तो 4 drugs में आइसोनियासिड, रिफैम्पिसिन और पिराज़िनामाइड तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा इथैम्ब्यूटॉल रहेगा या स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगा. दैट इज़ अ चॉइस ऑफ द फिजिशियन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ओके, देन अगर हम कंटिन्यूएशन फेज के बारे में बात करें तो 2 drugs की थेरेपी रहती है यहाँ पे. तो इट कैन बी HR आइसोनियासिड विथ रिफैम्पिसिन या फिर आइसोनियासिड विथ इथैम्ब्यूटॉल. ओके, अगर हम मंथ्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 2 to 3 months के लिए है. यहाँ पे कंटिन्यूएशन फेज में अगर आप टीबी पेशेंट को आइसोनियासिड के साथ रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो आप 4 months के लिए कंटिन्यूएशन थेरेपी रखते हैं, लेकिन अगर आप आइसोनियासिड के साथ इथैम्ब्यूटॉल का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो आप 6 months का कंटिन्यूएशन फेज रखते हैं. ओके, इसके बाद डोज जो है वो कितनी बार लेना चाहिए. नॉर्मली डेली भी लिया जा सकता है या फिर एक हफ्ते में 3 बार के हिसाब से, थ्राइस वीकली के हिसाब से भी लिया जा सकता है. लेकिन जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो रिवाइज्ड वाला था उसके हिसाब से कन्वीनियंट तरीका ये माना गया है कि एक हफ्ते में 3 बार ड्रग लिया जाए, तो थ्राइस वीकली वाला रेजिमेंट वो फॉलो करते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल कोर्स ऑफ थेरेपी, जिसके अंदर डॉट्स इंक्लूडेड होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं MTR की. ये उस कंडीशन में है जहाँ पे किसी टीबी पेशेंट में ऑलरेडी ट्यूबरकुलोस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ किए जा रहे थे और वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं, या कोई और कीमोथेरेपी चल रही है और ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं. स्पेसिफिकली हम MDR में कहते हैं कि आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन के साथ जो पर्सन रेजिस्टेंट हो गए हैं प्लस
हो सकता है कि उन्हें किसी और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स से रेजिस्टेंस हो या नहीं हो. ओके, इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो 12 टू 24 मंथ्स के लिए चलेगा, मतलब 1 to 2 years के लिए, सॉरी. अगर केवल आइसोनियासिड से रेजिस्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होने डेवलप होने के चांसेस आइसोनियासिड से होते हैं, तो हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं. अगर आइसोनियासिड से सिर्फ रेजिस्टेंट हैं तो क्या करेंगे, और आइसोनियासिड और रिफैम्पिसिन दोनों से ही अगर रेजिस्टेंट हैं तो क्या करेंगे. सो आइसोनियासिड से अगर रेजिस्टेंट हैं तो रिफैम्पिसिन, पिराजिनमाइड और इथैम्बुटोल का ट्रीटमेंट चलाया जाता है, दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स या 1 ईयर. ओके, अगर आइसोनियासिड और रिफैम्पिसिन दोनों से ही रेजिस्टेंट हैं तो उस कंडीशन में पिराजिनमाइड और इथैम्बुटोल दिया जाएगा. उसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह पर केनामाइसिन, एमिकासिन और कैप्रामाइसिन. ओके, ये दिया जा सकता है. ये चारों की चॉइस है, वो डिपेंड करता है कि रेजिमेन कैसा है, तो चारों में से कोई एक चीज़, प्लस कोई भी एक फ्लोरोक्विनोलोन दिया जा सकता है, जिसमें हम सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, और हो सकता है कि इसी के साथ साथ इथिनामाइड ऐड किया जाए, ETM. ओके, ऐड किया जाए या ना किया जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी MDR-TB रेजिमेन. नेक्स्ट हम बात करते हैं XDR-TB के रेजिमेन के बारे में, जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं. यहाँ पे वो कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट रेजिस्टेंट हैं आइसोनियाजिड से भी, रिफैम्पिसिन से भी, फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंट हैं, और एमिकासिन और ये जितने भी हैं, एमिकासिन, कैनामाइसिन, सिप्रोमाइसिन, इनमें से किसी एक चीज़ से अगर रेजिस्टेंट हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कंडीशन. और ये कंडीशन बहुत फेटल है, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ों से एक पर्सन, जो मेन फोर चीज़ें हैं उनसे जब एक पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड देर आर चांसेस कि उनकी डेथ हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज HIV पेशेंट जिन्हें TB हो गया है. उस कंडीशन में रिफैबुटिन भी, अभी के टाइम में रिफैबुटिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर पेशेंट जिनको ऑलरेडी HIV है और TB हो चुका हो. ओके, सो रिफैबुटिन के साथ साथ जो थेरेपी यूज़ की जाती है, इनिशियली आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और पिराजिनामाइड एंड इथैम्बुटोल, इसको यूज़ किया जाएगा 2 मंथ्स के लिए. रिफैम्पिसिन की जगह में रिफैबुटिन भी यूज़ किया जा सकता है. उसी के बाद कंटिन्यूएशन थेरेपी के तौर पर आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन या रिफैबुटिन यूज़ किया जाएगा 7 मंथ्स के लिए. ओके, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम पिरोडॉक्सिन प्रोफिलैक्टिक तौर से देते हैं पेशेंट को, क्योंकि आइसोनियाजिड हम यूज़ कर रहे हैं, देर आर चांसेस कि इस रेजिमेन में जो CNS टॉक्सिसिटी है या फिर जो CNS रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम अवॉइड करना चाहेंगे, इसलिए हम पिरोडॉक्सिन देते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उन वुमेन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और ऑलरेडी टीबी था, या अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो टीबी पेशेंट हैं, तो उस कंडीशन में एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी. स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. उसके अलावा जो हम ऐड कर सकते हैं वो ये है, ये जो 2 and 4 लिखा है, दैट इज़ फॉर दी टाइम्स या फॉर द मंथ्स. ओके, सो 2 मंथ्स के लिए आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पिरिडॉक्सिन प्लस पिरिडाज़ेमाइन प्लस जो कंटिन्यूएशन फेज में हम कर सकते हैं वो ये है कि आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन हम दे सकते हैं. जो इथैम्बुटोल है वो अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेट प्रेगनेंसी में अगर ज़रूरत हो तो हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं. नाउ द लास्ट थिंग इज़ MAC, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जो HIV कंडीशंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. इंटेंसिव फेज या इनिशियल फेज में हम ज़्यादातर जो क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन आप देख रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ड्रग यूज़ करना MAC की कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है. तो क्लैरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन में से कोई एक चीज़ प्लस इथैम्बुटोल प्लस रिफैबुटिन, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रिफैबुटिन यूज़ कर रहे हैं, रिफैम्पिसिन नहीं, प्लस एनी वन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन में इट कैन बी सिप्रोफ्लोक्सासिन, इट कैन बी ऑफ्लोक्सासिन. ओके, इसी के साथ साथ हम क्या दे सकते हैं, अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन नहीं दे सकते हैं किसी कंडीशन में, तो हम इथिनामाइड देंगे, ETM. ओके, ये दिया जाता है 2 to 6 मंथ्स के लिए, और उसके बाद मेंटेनेंस फेस में हम यही चीज़ क्लैरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन, जो भी पेशेंट को सूट करता था वो, प्लस इथैम्बुटोल और
अगर इथैम्बिडोल यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हम रिफैबिटन यूज़ कर सकते हैं, रिफैबिटन नहीं यूज़ कर सकते तो हम कोई भी एक फ्लोरोक्विनोलोन यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो है ये 12 मंथ्स के लिए रहता है। 12 मंथ्स एक नॉर्मल टाइम पीरियड है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो हो सकता है कि एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन सब के अलावा इसमें कीमोप्रोफिलैक्सिस आता है। कीमोप्रोफिलैक्सिस हम उन पेशेंट्स के लिए देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो कीमोप्रोफिलैक्सिस है, हम फोकस करते हैं उन लोगों को जिनके घर में कोई पर्सन है जो टीबी पॉजिटिव निकले हैं, या फिर उनका कोई कांटेक्ट रहा है किसी ऐसे व्यक्ति से जो अभी टीबी पॉजिटिव निकले हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट मदर हैं जिनका बेबी जो डिलीवर हुआ है तो उस बेबी को हम फोकस करेंगे। ये सारे लोग वो हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं लेकिन जिनको चांसेस हैं टीबी होने के, तो उनको हम कीमोप्रोफिलैक्सिस देंगे। सो कीमोप्रोफिलैक्सिस में सिर्फ एक ही ड्रग यूज़ किया जाता है, वो है आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड को 6 महीने के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर द पर्सन बिकम्स पॉजिटिव और नॉट। ओके, सो अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर ये सारे रेजिमेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं भी हुए हैं तो 6 मंथ्स के लिए आइसोनियाज़िड की कीमोप्रोफिलैक्सिस यूज़ की जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट रेजिमेन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।